वगैरह में रहती है, तो उनमें तो क्या होता है कि आपके पास स्पेस होता है। अब कोई किचन ही 15x15 की बना रहा है तो उसमें तो आराम से मैनेज कर लेता है ना, क्योंकि बंगलोर में तो 15x15 20x20 फुट की किचन होती है, बड़ी भी हो जाती है। अभी तो क्या हो गया है, अभी तो जो वेल एफ्लुएंट पीपल है, दो दे यूज टू मेक टू किचन, एक इंडियन किचन और एक यूरोपियन किचन। तो उसमें क्या रहता है, जो जो कढ़ाई वाला काम रहता है ना, तलाई तलने और सब वाला, वो तो इंडियन किचन में होता है, तो उसको इंडियन भी बोलते हैं, सर्वेंट किचन भी बोलते हैं, क्योंकि उनकी कुकिंग भी ज़्यादातर मेड्स ही करती है, और उनकी जो किचन होती है दूसरी कॉस्मेटिक किचन होती है। कॉस्मेटिक किचन इज मेजरली यूज फॉर मेकिंग ब्रेकफास्ट, मतलब वो माइक्रो वाइक्रो करने के लिए होती है। तो इट इज़ बिंग लाइक दैट। अभी तो क्या, लिविंग पैटर्न्स आर चेंज ऑफ पीपल, बट वो बंगलोज में होते हैं। तो आइडियली किचन इस तरह से होना चाहिए आपको, कि आपका किचन में गैस जो है शुड बी इन द ईस्ट एंड सिंक शुड बी इन द नॉर्थ। एक ही साथ ये सिंक और ये है गैस है, वो काफी थोड़ा मतलब लेंथ में ज्यादा है, तो जैसा ये कॉर्नर पे गैस है शिफ्ट पे, और ये कॉर्नर पे जैसा सिंक है, डिस्टेंस ज्यादा है। अगर देखिए ज्यादा डिस्टेंस है सपोज, मतलब डिस्टेंस बोले तो मतलब 2-3 फुट का तो ज्यादा नहीं मानते, लेकिन 6-7 फुट का है तो फिर भी इम्पेक्ट कम होता है। बहुत ज्यादा बगल बगल होता है तो वो खराब होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि फ्लैट्स वगैरह में किचन साइज ही बहुत बड़ा नहीं होता। हाँ, तो उसके क्या सोल्यूशन है, जैसे जो लॉन्ग किचन होते हैं जिसमें हम एक ही साइड टेबल बना सकते हैं, वॉकिंग इशू हो जाएगा अगर दूसरे साइड भी रखेंगे, एल भी नहीं रख सकते जस्ट इन केस वहाँ पे कुछ और है, तो उसके लिए कैसे सोल्यूशन? उसके लिए तरीका ये होता है, अगर सपोज इन एनी केस आपका वो आते ही पास में, तो आप बीच में एक पार्टीशन सॉर्ट ऑफ पार्टीशन कर सकते हो, ठीक है, आप चाहे वो ग्लास का कर दीजिए चाहे वो पत्थर का कर दीजिए, एनी काइंड ऑफ पार्टीशन कैन बी डन। क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है कि आप चीज़ों को ना अवॉइड नहीं कर पाते, तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, तो दैट कैन बी डन। मैडम ये बता Anybody else? Questions? किसी को तो पूछो। और अभी अक्सर सर इंटीरियर में जैसा रंग हो जाता है नीचे कारपेट जैसा बोलते हैं रंग, तो वो एक्चुअली कहाँ पे मतलब जैसे बोल रख सकते हैं, जैसा सोफे के नीचे सेंटर टेबल के नीचे एक रंग से होती है, वो मतलब वो एग्जैक्ट पॉइंट है वहीं पे रखने का कि और जगह शिफ्ट कर सकते हैं? देखिए रग्स और कारपेट जो होते हैं सर, आप रुके जाना नहीं, हम 2-5 मिनट में सारे स्टूडेंट्स भी रुक जाएंगे। रग्स एंड कारपेट्स आर बेटर टू बी केप्ट इन साउथ और साउथ वेस्ट। कभी भी ध्यान रखिएगा नॉर्थ ईस्ट में कारपेट मत डालिएगा, परमानेंट प्लेसमेंट ऑफ कारपेट इन नॉर्थ ईस्ट इज ऑलवेज बैड। वो आपको क्या करेगा, एक तो पैसे का नुकसान करेगा और डिस्टर्बेंस इन ग्रोथ करेगा। वहाँ इट शुड बी ऑलवेज प्लेस्ड इन साउथ और साउथ वेस्ट। सर जैसे कि अभी तो मतलब छोटे घर होते हैं सबके, किचन बेड एंड 3 रूम, तो एग्जैक्टली हमारी जो पूजा रूम होती है उसका मतलब डायरेक्शन कहाँ पे होना चाहिए? नहीं, अगर मतलब स्पेस कम है, किचन और हॉल हमारा एक साथ है, तो उसको प्लेस कैसे करना चाहिए, या लिविंग में या किचन में? लिविंग में, किचन में पूजा कभी नहीं है। पूजा और अर्चना दो, पूजा और अर्चना दो, आराधना भी नहीं होनी चाहिए, स्तुति भी नहीं होनी चाहिए। एक बार आज का वो जोक चल रहा था ना, वो बोलते ना ऑफिस में जाके मेरे को आज छुट्टी चाहिए, उसका बॉस पूछता है कि क्यों छुट्टी चाहिए 14 फरवरी को तुमको, तो बोलते है कि मेरे घर में आज पूजा और अर्चना होगी।